निकाल तुरी बहन के। देखिए लोगों को लगता है क्या कि यूट्यूब में जो वीडियो बनाता है ना वो बहुत पैसा कमाता है, आप भी वीडियो बना रहे हैं कितना पैसा कमा लेते हैं? आप मेरा घर चल के देख लीजिए, अच्छा अच्छा मुन्ना का घर चल के देख लीजिए, शशि का घर देख लीजिए, मोहित का देख लीजिए, बंटी का देख लीजिए। अगर आप चुनाव 2 देखे होंगे तो इनको तो जानते ही होंगे कि ये कौन सा रोल अदा किया है। नहीं पता है तो भैया से ही पूछ लेते हैं, चुनाव 2 में आपको कौन सा रोल मिला था? मेरा रोल था जैसे हम लोग वोटर थे और बहुत कैंडिडेट का सपोर्टर थे। अच्छा, कैंडिडेट का सपोर्टर थे। वैसे एक्चुअल में इनका नाम बता दूं, और भी वीडियो में काम कर चुके हैं जैसे कि मेहमान वाले में, है ना, 1993 था कि 96 था ऐसा? 1999 नहीं नहीं उसमें 1999 में जो थे ना मणि मिराज जी को पीटा गया था। अच्छा, मणि मिराज पीटे थे, कौन पीटा था? आप हम लोग सब कोई मिलकर, मतलब वहाँ पे टीवी देखने का जो सीन होता है वहाँ पे झगड़ा झूड़ी हो जाता है वहाँ पे। और ये जो मतलब आपने ये कथा, मतलब कथा क्या, जो आपने ये एक्टिंग किया, जो कहानी आपने लिखा है, ये हम लोग के लाइफ में ऐसा हो चुका है जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते मतलब थे, जमीन से जुड़ा हुआ, हाँ, ये जमीन से जुड़ा हुआ कंटेंट था, जैसे शक्तिमान चलता था इस तरह का, हम लोग बिना खाए पिए तुरंत लग जाते थे टीवी देखने में। बिल्कुल ऐसा ही कथा, मतलब कहानी उठाकर रियल लाइफ में दिखाएं, और इसका भी इस वीडियो का काफी ज्यादा प्यार मिला था। चुनाव 2 में जो डायलॉग था, जो आपने मतलब जो आपको अच्छा लगता है डायलॉग, वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। तो हुआ था लास्ट में वो डायलॉग हम बोले थे कि बोला था कि मर जाए, तो हम बोले मर बुखार से जर, इस टाइप का मतलब बहुत मर बुखार से जर है। सही बात है। तो एक इस समय काफी वीडियो वायरल हो रहा है, आपके ही फैमिली मेंबर के लोग हैं झगरू महतो जी, तो इनके बारे में, बाकी काफी ज्यादा मतलब वीडियो वायरल हो रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब क्यों छोड़ के चले गए? देखिए वो छोड़ के चले, किसी के बहकावे में वो चले गए, बहकावे में चले गए। हाँ। वो कह रहे थे कि 10,000 रुपए भी नहीं देते थे, मेरा घर देख लो, मेरा घर ढाई दिए, गिरा दिए। काम कीजिए ना, मेरा घर चल के देख लीजिए आप। देखिए आप, देखिए लोगों को लगता है क्या कि YouTube में जो वीडियो बनाता है ना वो बहुत पैसा कमाता है, आप भी वीडियो बना रहे हैं कितना पैसा कमा लेते हैं? अभी तो एक भी पैसा चार तल्ला है नहीं है? नहीं तो मतलब देखिए लोगों का होता है क्या, जब लोग को जानने लगता है ना 10 लोग, तो लोग सोचते है उसको बहुत लोग जानता है, बहुत पैसा कमाता है, ऐसा बात नहीं है। आप मेरा घर चल के देख लीजिए, अच्छा अच्छा मुन्ना का घर चल के देख लीजिए, शशि का घर देख लीजिए, मोहित का देख लीजिए, बंटी का देख लीजिए, बस जो हम लोग का फैमिली, जो दादा पापा जो बनाए हुए हैं उसी घर में हम लोग आज भी रहते हैं। होता तो हम लोग बना के चार तला नहीं बना लेते, बिल्कुल, ये सब गलत बात है। पैसा की रहा बात, तो पैसा उनको मिलता था हर मंथ, उसका प्रूफ भी मेरे पास है, जैसे कहिएगा वैसे हम लोग आपको दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, जो चुनाव 2 में मतलब हर एक वीडियो में थोड़ा गाली देते हैं, मतलब इससे मतलब गाली इतना क्यों देते हैं? कुछ लोग पूछ रहे थे गाली, रहा बात गाली का, आप लोग को लगता है कि हम लोग गाली देते हैं, वो गाली नहीं है, देखा जाए तो हम लोग छिपा के देते हैं। जैसे मिराज भाई बोलते हैं सोन पापड़ी में, निकाल तोरी बहन के गाली थोड़ी ना, सही बात, पूरा गाली, मतलब हम लोग छिपा के देते हैं, लोगों को लगता है गाली देता है, अधूरा मतलब उसमें हम लोग डबल मीनिंग टाइप का बात रहता है, वो डबल मीनिंग वाला, वो सबको बात को दिल पे नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग वो सब चीज करते हैं, बहुत लोगों को वो अच्छा लगता है, अगर वो करना हम लोग बंद कर देना तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत देते हैं बस। नेक्स्ट वीडियो की शूटिंग कब से स्टार्ट है ये कुछ लगभग, ये नहीं पूछूंगा कि लगभग मेरा वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, इधर 2-3 दिन से शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव 3 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव 3 अभी 2 आया, 3 आने वाला है, आ सकता है, चुनाव का माहौल आएगा उस टाइम हम लोग सोचेंगे कि चुनाव 3 बनाना है। अभी चुनाव का माहौल ट्रेंडिंग चीज है उस पर आप बनाएंगे, जैसे अभी जो ये चुनाव देखे ना, ये भी जिस तरह से आप देखे ना 1999 जमीन से जुड़ा हुआ था, तो चुनाव 2 भी मेरे मतलब मेरे एरिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम लोग बनाए, यहाँ पे चुनाव होने वाला था, चुनाव रद्द हो गया, उसी हिसाब से हम लोग बनाए। अच्छा, जो ये आप एक्टिंग कर लेते हैं, इसका रिहर्सल मतलब तैयारी करके आते हैं कि मतलब डायरेक्ट ही एकदम कर ही देते हैं? ऑन कैमरा सामने हम लोग, ऑन कैमरा सामने करते हैं। हाँ। तो मेरे ऑडियंस को, मेरे फैमिली मेंबर को, अपने फैमिली मेंबर को अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि भाई का चैनल है रोहित के ब्लॉग्स, तो आप लोग जाइए इनको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी भैया का इंस्टाग्राम आईडी है rockstarsap09, है ना, तो इनको भी हमारे जितने फैमिली मेंबर हैं सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलकर काफी खुशी हुआ,